उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री वाला सरकारी बंगला छोड़ा। वर्षा से लेकर मातोश्री तक मुंबई की सड़कों पर उद्धव समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, रास्ते में हुआ जोरदार स्वागत। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को बीजेपी से मिला डिप्टी सीएम बनने का ऑफर। गुवाहाटी में शिंदे के साथ 38 विधायक, सूत्रों के मुताबिक 9 और विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में जुट सकते हैं। मुंबई से एक और शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर संपर्क से बाहर, सूत्रों के अनुसार गुवाहाटी जा रहे हैं। कुर्ला के विधायक मंगेश कुडालकर पहले मुंबई से सूरत गए और अब सूरत से गुवाहाटी जाएंगे। सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस अलर्ट पर, गृह विभाग ने हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव से महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया। इस्तीफे के सवाल पर बोले, मेरे सामने आइए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद ट्वीट कर जवाब दिया, कहा कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़िए, गठबंधन का फायदा सिर्फ दूसरे दलों को मिला, शिवसैनिकों का नुकसान हुआ। गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर उद्धव का ऑफर ठुकराया, कहा बेमेल गठबंधन से निकलने का वक्त अब आ गया है। उद्धव ने इस्तीफा और शिवसैनिक को ही सीएम बनाने का ऑफर दिया था। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सीएम ठाकरे और शरद पवार के बीच अहम बैठक, करीब एक घंटे तक दोनों नेताओं के बीच महामंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, पवार ने शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी। सियासी संकट के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भरी हुंकार, कहा उद्धव ठाकरे सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, विधानसभा में साबित करेंगे बहुमत। उद्धव की जगह एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने पर कांग्रेस तैयार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एबीपी न्यूज पर कहा, हमें कोई एतराज नहीं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई में वर्षा भवन के सामने शिवसैनिकों की नारेबाजी, दूसरी तरफ ठाणे में शिंदे के गढ़ ठाणे में शिंदे समर्थन में रैली पोस्टर में लिखा, वी सपोर्ट एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में महासंकट, अब सरकार बचाने के साथ असली नकली शिवसेना वाला हुआ। एकनाथ शिंदे का गुट खुद को बता रहा है असली शिवसैनिक। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे जल्द इस्तीफे का कर सकते हैं ऐलान। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते वक्त एकनाथ शिंदे ने नहीं माना उद्धव ठाकरे को अपना नेता, सवाल पूछने पर फोन काट दिया। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है। कल बागी विधायकों से हस्ताक्षर भी करवाए गए, जिसे राज्यपाल को सौंपकर शिंदे खुद को असली शिवसेना का बताएंगे। शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर इशारे में खुद को बताया असली शिवसैनिक, कहा बाला साहेब का हिंदुत्व आगे ले जाएंगे, 40 विधायक हमारे साथ हैं। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, हमारे शिवसैनिक गुस्से में हैं लेकिन उद्धव के कहने की वजह से सब शांत है। अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए। बीजेपी नेता उमा भारती ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा एक सड़ा हुआ फल टूटा है, ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, ये कांग्रेस वाली शिवसेना है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी और फडणवीस के पोस्टरों को बीएमसी ने हटवाया तो संजय राउत के घर के बाहर नया पोस्टर लगाया। पोस्टर में संजय राउत की फोटो के साथ शिवसेना के बागियों पर निशाना साधा गया है। तो वहीं पुणे में फडणवीस के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। बगावत के बीच शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख एकनाथ शिंदे के गुट से बाहर निकले, गुवाहाटी जाने के बजाय सूरत से नागपुर पहुंचे, कहा मुझे जबरन बंधक बनाकर रखा गया था।
वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, उन्होंने ऐसा संदेश है दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे यानी मेरा घात करना चाहते थे। उद्धव ठाकरे के संकट पर आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री आठवले ने कविता के जरिए निशाना साधा है। कहा है कि शिंदे ने बंद करवा दिए उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे है बाला साहब ठाकरे के बंदे। दिल्ली में पीएम मोदी आज मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे और एक्सपोर्ट पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यहां भारत के विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इंडिया गेट के पास निर्मित इस भवन को एक स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में आज से शुरू होगा ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन। कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे होगा उद्घाटन समारोह। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स संगठन। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन आज श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का आकलन करने और वित्तीय सहायता पर चर्चा के लिए कोलंबो जाएगा भारतीय डेलीगेशन। इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स आज से शुरू होगी। जेईई मेन की परीक्षा 23 से लेकर 29 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए देश के 501 और देश से बाहर कुल 22 सेंटर्स बनाए गए हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से होगा मुकाबला। 25 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। ओडिशा की बड़ी आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कुरियर सिटी।
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।